जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडी जॉब टुडे में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीआरओ ग्रेफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जनवरी 2021 के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड से संबंधित एक बड़ी अपडेट। बीआरओ ग्रेफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर MSW मेसन के एडमिट कार्ड की लिस्ट जारी कर दी है। कट ऑफ क्या रही है, कितनी वैकेंसी को कम किया है, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से सही एवं सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बीआरओ ग्रेफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी MSW मेसन की लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वूम कॉल लेटर्स इश्यू फॉर अपियरिंग इन रिटर्न एग्जामिनेशन मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन एडवर्टाइजमेंट नंबर जनवरी 2021 ट्रेड मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन मेसन ट्रेड के एडमिट कार्ड की लिस्ट है। कट ऑफ मार्क ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कॉल्ड, सभी एलिजिबल कैंडिडेट को कॉल लेटर जारी किया है। जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, फॉर्म सही से फिल किया था, उन सभी को एडमिट कार्ड जारी किया है। रिपोर्टिंग डेट फॉर रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जाम आपका 12 सितंबर 2021 को होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे है। रिटर्न एग्जाम आपका एग्जाम सेंटर बटालियन गेट धनौरी रोड ग्रिप सेंटर डिगी कैंप पुणे में आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। और कोई भी समस्या हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी इससे पहले 100 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 100 वैकेंसी से वैकेंसी को कम किया है, वैकेंसी अब आपकी है 72। 72 वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। यूआर कैटेगरी के लिए 31 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी है, एसटी के लिए 5 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 19 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 7 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 72 72 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और आइटम की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम के समय अपने साथ लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो कि आपको बीआरओ ग्रेफ के द्वारा आपके पास भेजा जा रहा है, वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड और उसके साथ में आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, ये आपको साथ में लेके जाना है डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा हम बात करें आइटम की तो कोरोना को देखते हुए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आइटम भी यहाँ पर दिए हुए, वो भी आपको अपने साथ लेके जाने हैं। इट इज़ मैंडेटरी, अनिवार्य है वो लेके जाना। वियर फेस मास्क 3-ply, 3-ply का फेस मास्क अपने साथ में लेके जाना है। फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, कैरी सैनिटाइजर बोतल, स्मॉल छोटी बोतल सैनिटाइजर की, ट्रांसपेरेंट स्मॉल साइज वाटर बोतल, पारदर्शी पानी की बोतल, क्लिप बोर्ड एंड ब्लू बॉल पेन, ये आइटम सभी अपने आपको अपने साथ लेके जाने हैं। दोस्तों देख लेते हैं लिस्ट की कितने कैंडिडेट को एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया है। मेसन ट्रेड में सबसे कम फॉर्म बीआरओ ग्रेफ के पास पहुंचे थे, इसलिए बीआरओ ग्रेफ ने वैकेंसी कम कर दी है। दोस्तों देख लेते हैं टोटल कितने कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किया है। इन सभी कैंडिडेट का रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद इनका जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होगा आपका लगभग 1 से 2 महीने के बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में। इसके बाद 2 महीने बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, इसलिए आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार रहें। दोस्तों बात करते हैं टोटल कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट एलिजिबल है मेसन ट्रेड के लिए। तो मेसन ट्रेड के लिए टोटल 746 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किया है। 746 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है बीआरओ ग्रेफ ने। 746 कैंडिडेट, 72 वैकेंसी, 1 वैकेंसी के मुकाबले 10 कैंडिडेट को बुलाया गया यहाँ पे। दोस्तों बात कर लेते हैं, नोट्स लगा के यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड आपके, आपने जो एड्रेस दिया था फॉर्म भरते समय, उस एड्रेस पर आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, जिस कैंडिडेट को एडमिट कार्ड नहीं मिलता है तो वो इस लिस्ट को और एक आधार कार्ड अपने साथ ले जाकर एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे सकता है। एग्ज़ाम आपकी 12 सितंबर 2021 को होगी।
ग्रिप सेंटर पुणे में 8 बजे आपको बटालियन गेट पर रिपोर्ट करनी है। दोस्तों ये थी MSW मेसन ट्रेड की लिस्ट। इसके अलावा हम बात करें, सभी ट्रेड की लिस्ट जारी हो चुकी है। मैकेनिक ट्रेड की भर्ती को रद्द कर दिया है, मैकेनिक ट्रेड की भर्ती नहीं होने वाली है। मैकेनिक ट्रेड के लिए जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उनका आवेदन नहीं आने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड, स्टोर कीपर टेक्निकल, MSW मेसन, MSW इंजन ड्राइवर, सभी ट्रेड का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अब सभी अपनी अपनी तैयारी में लग जाएं, समय बहुत कम बचा है। रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाएं। और दोस्तों ये लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप BRO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो इतना ही रहेगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।